Hello everyone and welcome to my channel Knowledge Fusion. आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ चैप्टर एक्सपेंशंस का एग्जाम्पल नंबर टू. तो आइए से समझते हैं कि कैसे हम इसे सॉल्व कर पाएंगे. तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारा एग्जाम्पल नंबर टू है उसमें दो पार्ट्स हैं, पार्ट वन एंड पार्ट टू. दोनों ही जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग फॉर्मूले से सॉल्व होने हैं. तो सबसे पहले हम पार्ट वन सॉल्व करेंगे, देन हम पार्ट टू सॉल्व करेंगे. अच्छा, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ए प्लस बी की वैल्यू 9 है और ए बी की जो वैल्यू है वो -22 है. तो अब हम पार्ट वन सॉल्व करेंगे, देन हम पार्ट टू सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम पार्ट वन देखते हैं. तो सबसे पहले पार्ट वन में हमें क्या फाइंड करना है, हमें a माइनस बी की वैल्यू को फाइंड करना है. हमें पता करना है कि a माइनस बी क्या होगा. ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपको. फॉर्मूले की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है, क्योंकि आप जो एक्सपेंशन के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको फॉर्मुलेज याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था जिसमें आपके पास a प्लस बी भी होता था, a माइनस बी भी होता था और ए बी भी होता था. तो वो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab. ये फॉर्मूला था जो मैंने आपको समझाया था. इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें a प्लस बी की वैल्यू भी दी हुई है और ए बी की वैल्यू भी दी हुई है. हमारे पास क्या बचा, a माइनस बी, जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे. तो अब हम a प्लस बी की जगह a प्लस बी की वैल्यू पुट करेंगे और a बी की जगह a बी की वैल्यू पुट करेंगे. a प्लस बी की वैल्यू 9 दी है तो मैंने यहाँ 9 पुट किया, ब्रैकेट पे स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लगाया, माइनस a माइनस बी को एज इट इज रहने दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 लिखा हुआ है तो मैंने 4 लिख दिया. ए बी की वैल्यू आपको -22 दी हुई है तो आपने ये इंटू लगा के -22 लिख दिया. इंटू मैंने क्यों लगाया, क्योंकि 4ab, जो 4ab है ना वो मल्टीप्लीकेशन में है. तो ए बी की जगह जब मैंने उसकी वैल्यू पुट करी तो 4 एज इट इज आएगा और दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो मल्टीप्लीकेशन का साइन आ गया. अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं. 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर एज इट इज लिखे रहने दिया है ना, और 4 into 22 क्या होता है 88. अब हमने पढ़ा था कि प्लस माइनस, मैथ्स में एक सीधी सी बात है, जब आप प्लस माइनस सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई में तो साइन हमेशा माइनस का आता है. ठीक है, जब आप प्लस माइनस सॉल्व करें तो साइन माइनस का आएगा, तो यहां पे हमने माइनस लिख दिया. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम a माइनस बी को अकेला कर देंगे और बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड भेज देंगे. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर. ठीक है, इसके बाद हमने भेजा माइनस 88 एज इट इज यहां लिखा हुआ है, हमने इस 81 को इधर भेज दिया. अब जब हम किसी चीज को एक साइड से दूसरी साइड भेजते हैं तो 81 क्या है, यहां पे साइन क्या है 81 का, यहां पे 81 का साइन है प्लस, तो दूसरी साइड जब हो जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा. तो ये जो 81 का जो साइन प्लस है ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. तो ये मैंने लिख दिया माइनस 81. अब माइनस 88 माइनस 81, अब इसको हमें सॉल्व करना है. ठीक है, ये ऐसे लिख रहेगा माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर. ठीक है, अब माइनस 88 माइनस 81, माइनस माइनस का मतलब क्या होता है कि आपको दोनों नंबर्स को प्लस करना है. अब जब दोनों नंबर्स माइनस माइनस हो तो आपको दोनों नंबर्स को प्लस करना होता है. अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, डिवाइड का साइन होता है तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते, जब सिर्फ दोनों में माइनस माइनस लिखा हुआ है नॉर्मली इसके बीच में सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस यानी प्लस करेंगे. 88 प्लस 81 कितना हो गया, ये हो गया 169. अब जब दोनों में माइनस माइनस होगा तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा. ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि जब भी आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन जो होता है अगर दोनों माइनस माइनस हो तो भी साइन माइनस का ही आता है, अगर एक प्लस हो एक माइनस हो तो जो बड़ा होता है वो साइन आता है. यहां पे दोनों माइनस माइनस तो साइन माइनस का आ गया. ठीक है,
अब दोनों तरफ क्या है, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस 169। तो जब इक्वल टू के दोनों तरफ माइनस माइनस है तो आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, आपने माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दिया। अब क्या बचा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 169। अब बात करते हैं कि अब हमें a माइनस बी की वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में a माइनस बी की वैल्यू पूछी गई है और यहां पे क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब हम स्क्वायर हटाएंगे, तो स्क्वायर को जब हम हटाएंगे तो हम उसे दूसरी साइड भेजेंगे। यहां पे यही करा जाता है, जब एक चीज को हटाया जाता है उसे या तो दूसरी साइड भेज दिया जाता है। तो अब मैं लिख दूंगा a माइनस बी, स्क्वायर हटा दिया मैंने। अब जब वो दूसरी साइड जाएगा तो जब वो इस साइड स्क्वायर था तो वहां जाके क्या हो जाएगा, वहां जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो आप 169 पे रूट लगा दोगे। ये क्या हुआ, दोबारा से समझिएगा, यहां पे स्क्वायर लगा हुआ था, मैंने स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर को दूसरी साइड भेजा, तो वो क्या हुआ, यहां से वहां जाने पे किस में कन्वर्ट हो गया, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो गया। अब a माइनस बी की वैल्यू आपकी क्या आ गई, स्क्वायर रूट, देखिए स्क्वायर रूट 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। तो ये आपने 13 लिख दिया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 13। ये हमने पार्ट वन सॉल्व कर लिया, अब देखते हैं कि पार्ट टू हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब जो हमें सेकंड पार्ट सॉल्व करना है उसमें हमें थ्री वैल्यूज गिवन है, ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू 9, ए बी की वैल्यू -22 और जो अभी आपने पार्ट वन में वैल्यू फाइंड की थी a माइनस बी की वैल्यू 13, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, जो सेकंड पार्ट है वो है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने ऊपर लिखा हुआ है, इसे हमें फाइंड करना है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा और सॉल्व हो जाएगा। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसके अंदर आपको वैल्यूज पुट करनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आपको वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको एज इट इज नीचे लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी की वैल्यू है 9, ठीक है। अब बात करते हैं ए माइनस बी की वैल्यू, ए माइनस बी की वैल्यू अभी आपने फाइंड करी है वो है 13, ठीक है। अब इनके बीच में क्या साइन लगा हुआ है वो समझ में नहीं आ रहा, तो जब दो ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं लगा होता तो हम उसे मल्टीप्लाई मानते हैं, क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स के बीच में अगर साइन नहीं है तो इसका मतलब है कि वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 × 13। तो 9 × 13 जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 117, यानी कि जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसकी जो वैल्यू है ये 117 आ गई। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये जो क्वेश्चन है मैंने कंसाइज से लिया है, चैप्टर 4 एक्सपेंशंस का सेकंड एग्जांपल है। मैंने अभी आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक आंसर निकाल के दिखाया, ये आपका कंप्लीट आंसर है, ठीक है। अभी मैंने इससे पहले आपको एक आंसर बताया था, ए माइनस बी की वैल्यू 13। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि दोनों आंसर के आगे प्लस माइनस आना चाहिए, दोनों आंसर्स के आगे क्या आना चाहिए, दोनों आंसर्स के आगे प्लस माइनस आना चाहिए, पर मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा। कोई मुझे ये बता सकता है कि इस प्लस माइनस का क्या रीजन है, क्यों इसके आगे प्लस माइनस आना चाहिए? तो ये आपका होमवर्क है, जो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके बताएंगे इसके आगे प्लस माइनस क्यों आना चाहिए। और डरने वाली कोई बात नहीं है, जिसको नहीं आता आफ्टर टू डेज या आफ्टर वन डे मैं खुद ही कमेंट में एक मैसेज पिन कर दूंगा जिसमें इसका आंसर लिखा हुआ होगा कि क्यों हमें प्लस माइनस आगे लगाना है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन था हमारे सेकंड एग्जांपल का। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हैव अ गुड डे।